हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पोटैटो वेजेस। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं पोटैटो वेजेस बनाना। इसके लिए मैंने 3 बड़े आलू लिया है और उसका छिलका उतार लिया है। पहले इसको हम सेंटर से ऐसे कट करेंगे, फिर बीच में से कट करेंगे और फिर इसका जो सेंटर होता है कॉर्नर, उधर से हम उसको 2 पीस करेंगे। आप चाहो तो उसको और भी पतला कर सकते हो, लेकिन सभी एक ही साइज़ का ही कट करना पड़ता है, तभी ये अच्छा एक साथ ही पक जाता है। और सभी आलू को हम अभी इसी तरह ही कट कर लेंगे। सभी आलू को मैंने कट कर लिया है, अभी इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम उसमें आलू को डालेंगे। पानी थोड़ा बॉईल होना शुरू हो गया है, अभी इसमें हम हमारा आलू को सब डाल देंगे। आप चाहो तो थोड़ा नमक इस टाइम डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ नमक। और आलू को पूरा कुक नहीं करना है, 50% कुक हो तब तक इसको पकाना है। 3-4 मिनट चाहिए उसको आधा बॉईल होने के लिए। ऐसा देखना, चेक करना, जब लगेगा आधा कुक हो चुका है तो अभी हम आलू को सभी निकाल लेंगे। अभी उसमें हम सब मसाला को मिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैदा, नमक मैंने लिया है स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मैंने लिया है अरिगानो और मैं 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला है मैजिक। आप अगर ये नहीं डालते हो मैगी मसाला है मैजिक, तो आप गरम मसाला भी 1 टीस्पून डाल सकते हो। अभी सारे मसाले को अच्छे तरह से मिक्स करना है। आप चाहो तो इसमें हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है, अभी उसको हम पोटैटो के उसके साथ डाल देंगे और हल्के हाथों से उसको मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाता है। आप चाहो तो 1-2 ड्रॉप पानी उसमें डाल सकते हो मिक्स करने के लिए। आलू और मसाला को अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, अभी उसको हम एक कंटेनर में डाल देंगे और उसको मिनिमम 2-3 आवर्स के लिए हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मिनिमम 1 घंटे के लिए भी उसको फ्रिज में रख सकते हैं। इसको अभी हम कंटेनर को बंद कर देंगे और 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख लेंगे। 2 घंटा हो चुका है, पोटैटो को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अभी उसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तेल हमारा गरम हो चुका है, अभी उसमें हम हमारा पोटैटो को डाल देंगे। एक एक करके सभी पोटैटो को डालना है और एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है और एक साथ भी नहीं डालना है, एक एक करके ही डालना है, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएगा और अच्छे से पकेगा नहीं और टूट जाएगा। और हल्के हाथों से उसको जैसे चलाते हुए इसको पकाना है, क्योंकि पोटैटो को पहले से ही हमने आधा कुक किया था, जल्दी जल्दी में चलाएँगे तो ये टूट जाएगा। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए पोटैटो का अच्छे सा कलर भी आ गया है, अभी उसको हम, ये कुक हो गया है, अभी उसको हम निकाल लेंगे। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है प्लेट में, उसमें हम इसको निकाल लेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब अलग हो जाए। और इसी तरह हमने सभी पोटैटो को इसी तरह हम निकाल लेंगे और सभी और जो दूसरे पोटैटो रखा था सभी को भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। हमारा पोटैटो वेजेस बनके तैयार है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन कट करके उसके ऊपर से डाला है। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।